संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। संसद की कार्यवाही के दौरान विजिटर गैलरी से दो लोग लोकसभा में कूद गए। एक युवक ने अपने जूते से स्प्रे निकाला और नारेबाजी करते हुए स्प्रे छिड़कने लगा, जिससे सदन में धुआं फैल गया। इसके चलते सदन में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सांसदों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया। कुछ सांसदों ने लोकसभा में घुसे युवक को मिलकर घेरा, फिर जमकर पिटाई भी कर दी। लेकिन सदन के बीच ऐसा करना उन सभी सांसदों को भारी पड़ गया। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ आज कड़ा एक्शन हुआ है। कांग्रेस के 9 सांसदों समेत कुल 14 लोकसभा सांसदों को शीत सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए सांसदों में डीएमके के 2 सांसद और सीपीआई के भी 1 सांसद शामिल हैं। आइए आपको उन सभी सांसदों के नाम बताते हैं। इस लिस्ट में टीएन प्रतापन, हिबी एडन, एस ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, मणिकम टैगोर, वीके श्रीकंत, एसआर प्रतिभन, के कनिमोजी प्रतिभन, बिनॉय विश्वम, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद, के सुब्रमण्यम के नाम शामिल हैं। इनके अलावा राज्यसभा से टीएमसी के डीके ओब्रायन भी निलंबित कर दिए गए हैं। इन सांसदों को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर बवाल करने और अमर्यादिक व्यवहार करने पर निलंबन झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में आज सुरक्षा में चूक होने पर जमकर बवाल हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे होम मिनिस्टर से ही मांग की है कि वो सदन में आकर बयान दें कि ये सब कैसे हुआ और आगे ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना संसद और सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है। लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की है और उनकी बात को सुना है। अब सदन की सुरक्षा को और मजबूत करने के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों के कुछ सुझाव थे जिन पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। ये ऐसा मामला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।